नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों यहां जो नवोदय विद्यालय समिति में भर्तियां निकली हुई थी वहां TGT के फॉर्म आपने डाल दिए होंगे, नहीं डाले हैं तो आप इसे जरूर डाल दें। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस मैं आपको पूरा बता रहा हूं, साथ साथ एग्जाम स्कीम के बारे में भी, और वो ट्रिक भी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं कि आपका PGT का एग्जाम बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। TGT की बात करें तो यहाँ भी पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि 5 भागों में यहाँ एग्जाम की स्कीम को बांटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में वही आपके रीजनिंग एबिलिटी शामिल है, जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स होंगे, और सेकंड पार्ट में आपके जनरल अवेयरनेस है, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर होंगे। अब थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड पूछेगा आपसे, 15 क्वेश्चन 15 नंबर वाले। और पार्ट 4 सब्जेक्ट नॉलेज डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन, देखो यहाँ क्लियर हो गया ना कि TGT की बात करें तो डिफिकल्टी जो लेवल होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, और TGT की बात की तो वहां डिफिकल्टी लेवल PG लेवल का था। तो बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो ट्रिक यहाँ है पढ़ने की वो ये है कि अगर आपके डिफिकल्टी लेवल समझ में आ गया तो आपको एग्जाम क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पार्ट 5 में वही आपके इंग्लिश और हिंदी की जांच करेगा, है ना। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ चेंज दिया है, PGT में ये 30 नंबर का था, यहाँ आपके जो है 45 नंबर का है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेज, है ना, रीजनल लैंग्वेज के बारे में भी सवाल यहाँ आ सकते हैं अगर आपने वो लैंग्वेज चुनी है तो। अब इसमें 15 जो है मार्क ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वो 15 नंबर का होगा। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 33, यानी कि आपको 33% लाना है, 45 का 33% आपको लाना है, और ये केवल क्वालिफाई है। आपका जो है टोटल जो रिजल्ट आएगा वो 135 में से आएगा, PGT में 150 में से आ रहा था, ठीक है। अब ये बात आप ध्यान रखें, लेकिन आपको इसमें पास होना जरूरी है कि यानी ये 45 में से 33% आपका मामला खराब कर सकते हैं अगर आप इसमें पास नहीं हुए तो, ये आपको ध्यान रखना। वही आपका जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो यहाँ इसने स्पष्ट रूप से दी हुई है, आप ऊपर देखें एग्जाम ड्यूरेशन आपकी 3 घंटे की दी हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बंटवारा कहीं भी नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा। और फिर वही बात कर रहा हूं कि ट्रिक जो है पढ़ने की वो यही है कि आपको डिफिकल्टी लेवल समझना होगा और उसी हिसाब से एग्जाम क्लियर करना होगा, और इस वाले पार्ट को, पार्ट 5 को हल्का मत समझना क्योंकि ये आपको मरवा देगा अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो। क्योंकि मैं काफी बंदे जानता हूं जिनके यहाँ 135 में से 120-125 तक नंबर आए और यहाँ वो लोग 10 नंबर भी नहीं ला पाए, तो ऐसे काफी सारे केसेस मैंने देखे हैं। तो वहां आप मात मत खा जाना, इंग्लिश हिंदी में विशेष मेहनत करनी है, खास करके इंग्लिश वाले पार्ट में। नीचे और इसमें एक लाइन डाली हुई है वो आप देख लें, फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ TGT यानी कि TGT वाले और मिसकेलेनियस टीचर्स यानी कि जो आपके म्यूजिक है, फिजिकल टीचर है, उनके लिए भी पार्ट 1 से लेकर के 3rd तक तो सेम रहेगा, और जो पार्ट 4th है वो सबके लिए जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता ही है। तो यहाँ वो ये आपके नॉलेज आपकी सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, फिजिकल टीचर वालों के लिए फिजिकल टीचर की आएगी, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश की, मैथ वालों के लिए मैथ की, और आपके SST वालों के लिए SST के 100 सवाल होंगे जिसमें से आपको यार कम से कम भी 70 से 72 नंबर तो लाने ही चाहिए, तब आपका सिलेक्शन के चांस ज्यादा बनेंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताएं, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।